नमस्कार, एसएसटी प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं साक्षी गणेश, एफआरबीए एमएमसी डिपार्टमेंट से। आइए देखते हैं अब तक की मुख्य खबरें। एसएसटी कॉलेज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया क्रांति दिवस। उल्लासनगर स्थापना दिवस कार्यक्रम और रैली में एसएसटी कॉलेज की भागीदारी। कॉलेज में नए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन। कॉलेज की एनएसएस द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत विभिन्न एक्टिविटीज का आयोजन। मुंबई विश्वविद्यालय के यूथ फेस्टिवल में एसएसटीएंस का डंका। एसएसटी कॉलेज को बेस्ट एनएसएस यूनिट अवार्ड प्रदान। एसएसटी कॉलेज में स्वतंत्रता दिन का सेलिब्रेशन। ग्रीन क्लब की एक्टिविटी मेरी माटी मेरा पौधा को मिला अच्छा प्रतिसाद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत के इतिहास में क्रांति दिवस की घटना का महत्व बहुत ज्यादा है। यह दिन देश भर में कई स्तरों पर मनाया जाता है। एसएसटी कॉलेज भी इस दिन एक अनोखी एक्टिविटी आयोजित करता है। कॉलेज के लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग के वॉलंटियर्स और टीचर्स ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए रैली निकाली। यह रैली कॉलेज से अमर जवान चौक तक निकाली गई। वहां पहुंचकर वॉलंटियर्स ने साफ सफाई की। साफ सफाई के बाद वहां फूल अर्पित किए गए। इसके अलावा मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उल्लासनगर स्थापना दिवस कार्यक्रम और रैली में एसएसटी कॉलेज की भागीदारी। उल्लासनगर नगर निगम की ओर से विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उल्लासनगर शहर का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गोल मैदान से उल्लासनगर शिलान्यास तक एक रैली आयोजित की गई। इसमें एसएसटी कॉलेज ने हर साल की तरह इस साल भी अच्छा सहभाग लिया। स्टूडेंट्स ने रैली में भाग लेकर नागरिकों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर नशा मुक्ति को लेकर घोषणाएं दी गई। कॉलेज में नए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजन। कॉलेज में एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को कॉलेज में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में और वहां होने वाली एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देने के हेतु हाल ही में इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम की वजह से आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी के सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कॉलेज को अच्छे से जानने का अवसर मिला। कॉलेज की एनएसएस द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत विभिन्न एक्टिविटीज का आयोजन। केंद्र सरकार द्वारा लागू मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एसएसटी कॉलेज ने एनएसएस विभाग ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज का आयोजन करके इस अभियान को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इस बार स्टूडेंट्स के लिए कैसा हो देश हमारा, इस विषय पर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें स्टूडेंट्स ने लेटर्स के माध्यम से उनके सपनों का भारत कैसा हो इस पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पंच प्राण शपथ ली। इस सभी ने अमृत काल में 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के यूथ फेस्टिवल में एसएसटीएंस का डंका। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के सबसे पॉपुलर यूथ फेस्टिवल में एसएसटी के कल्चरल कमेटी और स्टूडेंट्स की अलग अलग पहचान बन चुकी है। इस साल भी सीएचएम कॉलेज में हुए झोनल राउंड के फाइन आर्ट्स और लिटरेरी इवेंट्स में एसएसटीएंस ने प्राइजेस जीते। रंगोली और ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन में एसएसटी के स्टूडेंट समाधान बागुल ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया। साथ ही समाधान ने पोस्टर मेकिंग में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया। डिबेट कंपटीशन में शुभम कामरे और अंकुश सोनव ने इनकी जोड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया। एसएसटी कॉलेज को बेस्ट एनएसएस यूनिट अवार्ड प्रदान। एसएसटी कॉलेज का एनएसएस यूनिट अपने एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। हाल ही में मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में हुए अवार्ड फंक्शन में यूनिवर्सिटी लेवल बेस्ट एनएसएस यूनिट पुरस्कार दिया गया। साथ ही कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और एनएसएस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जीवन विचारे इन्हें बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का अवार्ड मिला। ये दोनों अवार्ड मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी इनके हाथों से दिए गए। एसएसटी कॉलेज में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। देश भर में भारत का इंडिपेंडेंस डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी एसएसटी कॉलेज में फ्लैग होस्टिंग करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुरस्वानी इनके हाथों फ्लैग होस्टिंग करने के बाद उन्होंने सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं दी। कॉलेज के NSS यूनिट ने इस अवसर पर परेड आयोजन किया। कॉलेज के टीचर्स के साथ ही सभी स्टूडेंट्स इस अवसर पर उपस्थित रहे। ग्रीन क्लब की एक्टिविटी मेरी माटी मेरा पौधा को मिला अच्छा प्रतिसाद। कॉलेज में सभी यूनिट्स और सेल्स बहुत सारी एक्टिविटीज में आगे रहते हैं। वैसे ही ग्रीन क्लब में भी हाल ही में मेरी माटी मेरा पौधा एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी के तहत स्टूडेंट्स और सभी नागरिकों को घर में या बाहर पौधे लगाने का आह्वान दिया गया। इसमें स्टूडेंट्स ने ही नहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से भी लोगों का उत्साहपूर्ण सहभाग रहा। ये थी अब तक की खबरें। मिलते हैं अगले SST प्राइम बुलेटिन में। धन्यवाद।